शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये बालक मुझसे तीव्र नहीं हो सकता। संसार से भगवान को समाप्त करने और असुरों के साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए मुझे ये संकट तो मोल लेना ही होगा। शंकासुर, मैं जानता था तुम सबको पराजित कर सकते हो, पर अपने लालच को नहीं। और देखो, मेरा अंत करने के अपने लालच के कारण आज तुम अपने मृत्यु के समीप पहुंच गए हो। नहीं, ये सचमुच में चलता कान्हा का, मुझे तो शीघ्र अपने शंख में प्रवेश करना होगा। शंकासुर, अब तुम्हारा और तुम्हारे अधर्म दोनों का अंत होगा। नहीं कान्हा, नहीं, मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम गौलोक से निष्कासित होकर संसार में एक असुर के रूप में विचरण करोगे। आपने मुझे उद्धार कर दिया प्रभु, असुर रूप से मुझे मुक्ति दिला दी। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब मैं अपने मन में उस अहंकार को नहीं आने दूंगा जिसके कारण मुझे असुर होने का श्राप मिला था, आपसे दूर रहने का श्राप मिला था प्रभु। मकरंद, जीवन में दंड मिलते ही इसलिए है ताकि हम आगे के जीवन की दशा और दिशा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए निर्धारित कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपने श्राप को अपने भूल सुधार के रूप में ग्रहण किया। अब जाओ मकरंद और गोलोक में मेरी प्रतीक्षा करो। मैं पुनः तुम्हें तुम्हारे प्रधान गोप का पद प्रदान करता हूँ। मैं धन्य हो गया। प्रभु, धन्य है आप जिसके कारण शंखासुर का उद्धार हुआ और गोप मकरंद को परमधाम की प्राप्ति हुई। महादेव, शंखासुर का अंत अवश्य हुआ, पर संकट अभी टला रही था क्योंकि देवी वृंदा के ऊपर शुक्राचार्य द्वारा अभिमंत्रित बाण लगा था और उसका जीवन संकट में था। वृंदा, अभी तो इस संसार में तुम्हारी यात्रा का आरंभ हुआ है। अभी तो तुम्हारे जीवन, कार्य और भक्ति से इस संसार में अनेक स्थापनाएं होनी है। हे वृंदा के रूप में वनस्पतियों, आज मैं तुम्हें अपनी दिव्यता में से जीवन रक्षक शक्ति प्रदान करता हूँ, जिसके कारण तुम आज के पश्चात किसी के भी प्राणों की रक्षा कर सकोगे। और मेरी इस शक्ति के कारण तुम सदा सदा के लिए हर युग हर काल में इस संसार में वास करोगे। कर्म प्रदान विश्वचिरा।
प्रभु वो शंखासुर। चिंता मत करो वृंदा, अब शंखासुर का सदा सदा के लिए अंत हो गया है। अब उससे किसी को कोई संकट नहीं है। प्रभु आपने शंखासुर के संकट को समाप्त कर दिया, मेरे जीवन की रक्षा की। आप धन्य हैं प्रभु। रक्षा तो तुमने की है मेरे जीवन की, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जिस स्थान पर तुम्हारी उत्पत्ति हुई है वो संसार में तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। आज से इस स्थान का नाम होगा वृंदावन। मैं धन्य हुई प्रभु, परंतु मेरे संपूर्ण जीवन की एकमात्र इच्छा यही है कि मैं कभी भी आपसे दूर ना जाऊं। मेरा नाम लिया जाए तो आपके साथ। ऐसा ही होगा वृंदा, अगले जन्म में तुम पति पावनी तुलसी के रूप में अवतरित होगी। तब तुम्हारा विवाह मेरे ही स्वरूप शालिग्राम से होगा, जिसे संसार शालिग्राम तुलसी विवाह के नाम से जानेगा। और फिर तुलसी दल के बिना मेरी हर पूजा, मेरा हर प्रसाद अपूर्ण होगा। और इतना ही नहीं, जो भी भक्त शालिग्राम तुलसी विवाह करवाएंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये कथा थी गोपी वृंदा की देवी तुलसी बनने की। इसलिए तुलसी मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए जो भी भक्त मुझे तुलसी का अर्पण करता है उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव, तुलसी तो इतनी पवित्र और शुद्ध है कि उनके स्पर्श मात्र से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। इसलिए हर आंगन में तुलसी का वास होना चाहिए। सत्य कहा प्रभु आपने। आज स्वयं आपके मुख से तुलसी की ये संपूर्ण कथा सुनकर मैं भी धन्य हो गया प्रभु। वो देखिए प्रभु, गौरबावासी भगवान शालिग्राम की बारात लेकर देवी तुलसी के द्वार पर पहुंच गए। अब होगा भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह। भगवान शालिग्राम की, भगवान शालिग्राम की, भगवान शालिग्राम की। तुलसी ये देखो, ले आए हैं हम भगवान शालिग्राम की बारात बड़े ही धूमधाम से। अब तुम बारातियों का स्वागत करो। बिल्कुल मौसी, पर पहले भगवान शालिग्राम की आरती तो कर ले। हे प्रभु, आपका हमारे घर में स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है। महादेव, जो भी भक्त पूरी भक्ति और पूरी विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी विवाह करवाते हैं या इस विवाह में किसी भी रूप में सम्मिलित होते हैं, उनके जीवन से सभी अमंगल का नाश होता है और उनका जीवन आनंद और मंगल से भर जाता है। माता तुलसी की जय। भगवान शालिग्राम की जय। माता तुलसी की जय। भगवान शालिग्राम की जय। माता तुलसी की जय। मौसी, अब हमें भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को विवाह के विधि विधान से तैयार कर वेदी पर स्थान देना होगा। माता तुलसी, भगवान शालिग्राम हम में इतनी शक्ति तो नहीं कि आपका और माता तुलसी का विवाह करा सके, पर एक भक्त होने के अधिकार से हम ये कार्य करने जा रहे हैं। हमारी भक्ति स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए।
दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।